हाल तहसील की पनवाड़ा ग्राम पंचायत से सासबाड़ी को जाने वाले रास्ते में बन रही पुलिया का निर्माण विगत 7 दिनों पहले ही शुरू हुआ है और निर्माण कार्य शुरू होने से जहां ग्रामीणों में खुशी का माहौल है, वहीं इस निर्माण कार्य को लेकर सरपंच से रंजिश के कारण कुछ लोगों द्वारा सोशल मीडिया में फर्जी तरीके से बताया गया कि 1 माह पहले बनी पुलिया बनते ही क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों में फर्जी खबरों को लेकर काफी रोष है। ग्रामीणों ने बताया कि 6-7 दिन पहले से ही तो पुलिया का कार्य शुरू हुआ है जो अभी भी जारी है, और जब अभी पुलिया बनी ही नहीं तो क्षतिग्रस्त कैसे हो गई। ग्रामीण महेश भरद्वाज ने मीडिया टीम को पुलिया दिखाते हुए कहा कि आप लोग भी देख सकते हैं कि अभी काम शुरू ही हुआ है और ऐसा काम किसी पंचायत में नहीं हुआ होगा। जिस तरह सचिव मेहनत से कार्य करा रहे हैं, रेत न मिलने के बाद भी महंगे दाम में रेत मंगाकर काम हो रहा है, फिर भी लोग बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोग गाँव के विकास में बाधा डाल रहे हैं। वहीं रोजगार सहायक ओम प्रकाश प्रजापति ने बताया कि ग्रामीणों को रास्ता निकलने में काफी परेशानी होती है, जिसको लेकर पुलिया का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें सभी मानकों का पालन किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट AN24। मेरा नाम महेश भारद्वाज। अच्छा, ये सरस्वती राव। अच्छा, ये ग्राम कौन सा है? ग्राम पनवाड़ा हमारे गाँव है। अच्छा, ये यहाँ पे जो पुलिया का निर्माण हो रहा है, ये पुलिया सार्वजनिक हित में पूरे मतलब किसानों के लिए मतलब आने जाने की रोड नहीं था जी, तो ये पूरे सरपंच हमारे सरपंच साहब सेक्रेटरी ने सब ने मिल के ये ठहरा प्रस्ताव करा गांव में, इस वजह से ये पुलिया और बहुत अच्छी बन रही है। देखो आप, अच्छा पूरी मिट्टी डाली गई, वो मोरम डाली गई है, उस पर गिट्टी डलेगी। नहीं, खबरों के माध्यम से तो ये बताया गया था कि पुलिया क्षतिग्रस्त बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बेबुनियादी खबर है, दारू पी किसी ने डाली है और इस तरह से ये मतलब अच्छे लोग नहीं है जो निर्माण कार्य को वो कर रहे हैं प्रभावित। अच्छा, वैसे बहुत अच्छा काम हो रहा है और बढ़िया पुलिया बन रही है, उसमें रोड भी डलेगा, पूरे मतलब ग्रामीणों को इसका आने वाले समय में फायदा मिलेगा। आपका रेशमा, ये जो पुलिया बन रही है ये कौन सा ग्राम पंचायत में आती है? पनवाड़े में। कितने दिन हो गए इसको काम को? 6-7 दिन हो गए तो ये काम चल रहा है और आप कर ही रहे हो इस काम को? चलो ठीक है। मैं आपका मेरा नाम श्रीमान जी दिनेश यादव है। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ये पनवाड़ा है। अच्छा, यहाँ की ये जो समस्या है पुलिया की, और कुछ लोगों का कहना है कि पुलिया बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो जलापन से कर रहे हैं, क्योंकि जो तो हमने मांग कर रही थी सरपंच और सेक्रेटरी से। अच्छा, कि तो आने में जाने में परेशानी आती थी। अच्छा, इसलिए जिनने बढ़िया काम कराया। अच्छा, तो झूठी बात है ना, कोई अभी छत भी नहीं डली उस पे। अच्छा, अभी ये कितने दिन हो गए इस काम को? 4-5 दिन हुए हैं अभी तो काम कराते। अच्छा, 4-5 दिन हो गए। इस पे हमारा यही कहना है कि ये काफी दिनों से मांग थी, 1 साल पहले से भी जी गांव वाले की बहुत बड़ी समस्या थी। और जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है, और खेती में ट्रैक्टर का निकलने का भी बहुत परेशानी आती थी। अच्छा, तो गाँव वाले ने कहा कि यार सरपंच साहब महोदय की जो एक पुलिया बनवा दो आप जी, तो इसके लिए फिर हमने जिला सीओ साहब से 2 बार हो गए थे काम के चक्कर में इसी पुलिया के निर्माण के लिए, तो उनने एस्टीमेट तैयार किया और हमने काम चालू किया अभी। तो सरपंच साहब, ऐसा सुनने में आ रहा है कि पुलिया बनने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गई, इस पर आपका क्या कहना है? ये तो सब झूठी है, रंजिश वाली है, क्योंकि मेरे पे जलावट भी ज्यादा है। अच्छा, चुनाव के चक्कर में पहले से हमारे बोला चाली नहीं थी उनकी। अच्छा अच्छा जी, हाँ